कहाँ बैठ मुनि गण सहित नित सिया राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। ये जो नदी है, नदी यहाँ पर आके अलोप हो जाती है, ये यहाँ का इतिहास है। ये पानी आपको दिखा रहे हैं, ये अंत है अलोप होने का। प्रथम ही देवन गिर गुहा राखे रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछुक दिन बास करेंगे आए। इन गुफाओं का निर्माण भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार के पहले ही हो गया था। गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़े प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां श्री राम लियो अवतार। गुप्त गोदावरी का इतिहास त्रेता युग का है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था। जैसा कि आपने देखा गोदावरी नदी का दृश्य, इतिहास के बारे में आपको बताया। ये आपको बता दें भी चित्रकूट धाम के नज़दीक ये गोदावरी नदी का रहस्य है, गोदावरी नदी है। इसके प्रभारी यहाँ के हैं, जो उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है, ये जो नदी का रहस्य क्या है, उसका इतिहास क्या है जी। नाम क्या है जी प्रभारी जी? रामचंद्र मिश्र। मिश्रा जी ये बताइए, इसका इतिहास जो है गोदावरी नदी का वो बताइए, उसके बाद जो पानी अंदर से आ रहा है यहाँ पे आके अलोप हो रहा है, उसके बारे में बताइए। गुप्त गोदावरी का इतिहास त्रेता युग का है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था। और भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार के पहले ही जो है ये चित्रकूट धाम में देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी द्वारा भगवान के निवास करने के लिए दिव्य गुफाओं का निर्माण किया गया था। प्रथम ही देवन गिर गुहा राखे रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे आए। परमात्मा यहाँ वनवास काल में निवास करेंगे, इसलिए इन गुफाओं का निर्माण भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार के पहले ही हो गया था। इसके बाद भगवान का वनवास हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण माता जानकी के साथ यहाँ पर चित्रकूट धाम में 11.5 वर्ष निवास किए हैं। कितने साल वनवास किए यहाँ चित्रकूट धाम में? 11.5 वर्ष। आगे की जो लीला है वो 2.5 साल की है। तो यहाँ पर जो गुप्त गोदावरी दिख रही है, ये भगवान रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं। यह नासिक पंचवटी से चल करके अब प्रभु श्री रामचंद्र जी के माता जानकी जी के चरणार बिंदु को धोने के लिए आई थी, और यहाँ पर उनके चरणों को धो करके और उन्हीं से आज्ञा लेकर के यहीं पर गुप्त हो गई। आगे चल के ये जो है यहाँ से 50 मीटर आगे जो है ये वहीं पर गुप्त हो जाती है। सुरसर सरसई दिनकर कन्या मेकल सुता गोदावरी धन्या, गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़े प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ श्री राम लियो अवतार। तो जहाँ बैठ मुनि गण सहित नित सिया राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब यहाँ वनवास में थे तो यहाँ उनका ऋषि मुनियों के साथ अत्रि सर्वंगा सुतीक्षण जैसे जो ऋषि मुनि यहाँ रहते थे उनके साथ उनका दरबार लगता था। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, करहि जोग जप तप तनक सही, तो चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। अमरनाथ की नजदीक पाला चित्रकूट आए तही काला, जिस समय भगवान वनवास में आए संसार की जो सभी पवित्र गंगा हैं नदियाँ हैं सब भगवान के चरणों को धुलने के लिए आई हैं, और जितने भी ऋषि मुनि हैं जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के दर्शन के लिए यहाँ चित्रकूट धाम में आए हैं। ये सुना आपने, यहाँ के जो प्रभारी हैं उनके द्वारा बताया गया आपको गोदावरी नदी के बारे में भी। 11.5 वर्ष तक जो चित्रकूट धाम में श्री राम भगवान जानकी माता और लक्ष्मण जी जो वनवास काटे हैं, उसके बाद जो उनके अनन्य भक्त थे गोदावरी जी वो नासिक से चलकर यहाँ पे आए उनके चरण धोने के लिए, जो उसके बाद जो है ये गोदावरी नदी का एक श्री राम प्रभु द्वारा एक उनको आशीर्वाद दिया गया ताकि लोगों को पता ना चल सके भी वो कुंवारी थी ना, इसलिए भी लोगों को पता ना चल सके भी वो कहाँ गई हैं तो कहाँ से आई हैं। उसके बाद ये जो नदी है, नदी यहाँ पर आके अलोप हो जाती है, ये यहाँ का इतिहास है। ये पानी आपको दिखा रहे हैं, ये अंत है अलोप होने का। इसके बाद ये पता नहीं भी ये पानी कहाँ पर जाता है। आपको दिखा रहे थे चित्रकूट धाम से गोदावरी नदी तक का इतिहास, आपको कैसा लगा? हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और भक्तों को उनके साथ साझा करें। मैं हूं विजय वोरा, चित्रकूट धाम गोदावरी नदी।
जे तुसी एक्सप्रेस एंट्री दे विच या PNP दे थ्रू या LMIA दे थ्रू या जॉब ऑफर दे थ्रू जाके पक्के तौर ते सेटल होना चाहते हो, या तुसी स्टूडेंट वीज़ा ते कैनेडा या ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप दे नाल घट फीस ते तुहाडे एजुकेशन च गैप है ते तुसी पढ़ के जे सेटल होने का सपना पूरा करना चाहते हो, तुसी हेठ लिखे नंबर ते कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल। हर खबर की ताज़ा अपडेट के लिए साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब करो, Facebook चैनल नूं लाइक अते शेयर करो।